गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई चेकआउट का टाइम हो चुका है, अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि आज हम जोधपुर पूरा घूम लेंगे। अब यहाँ से निकल रहे हैं जोधपुर के लिए, अपने घूम फिर के फिर सीधा नाइट में सीधा जैसलमेर के लिए निकलेंगे। वहाँ अपने बुकिंग कर लिया है, रूम वूम सब कुछ बुक कर लिया है ऑलरेडी पहले से ही, कि हम नाइट में सीधा वहीं जा के रुकेंगे। तो अभी चलते हैं, चेकआउट करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर देखते हैं जोधपुर कैसा है। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं, अब एंटर करने वाले हैं। पीछे गेट है किले किले का, यहाँ से एंटर करेंगे इसके भीतर। अब चलते हैं और देखते हैं ऊपर। पहले मैं आपको एक बारी ये दिखा देता हूँ, बाहर का जो नज़ारा वो दिखा देता हूँ आपको एक बारी मैं। भाई ये लोहा है, प्योर लोहा, मेरे से तो अकेले से तो किसी हालत पे भी नहीं टालेगा। भाई ये ब्लू सिटी सामने सामने, और ऊपर से और ऊपर चलेंगे वहाँ से, और बढ़िया दिखेगी, बढ़िया नज़ारा आएगा ऊपर से। ओहो भाई, मेरे को तो इनके दरवाजे बहुत पसंद हैं, क्या जबरदस्त है। गाइस मेरे को एक चीज पता चल रही है, ये जो है ना ये लकड़ी है, ये पूरा दरवाज़ा लकड़ी से बना हुआ है, इस पे ऊपर लोहा लगा हुआ है, और नहीं तो ये पूरी लकड़ी से बनी बना हुआ दरवाज़ा है। तो भाई ये वीडियो रोक के पढ़ लेना, ये कम जम जिसपे महारानी या रानी या उनकी पुत्री को बिठा के ले जाया जाता था, ये वो सब चीज है, या फिर महाराजाएं भी यूज करते थे इनको। वीडियो रोक के पढ़ लेना लाइक दिस। ओके चलते हैं और आगे। हाँ भाई, ओहो ये दौलत खाना, मतलब तो भाई तो उपदाव से बच के कभी मुरादे। ओ भाई ये है चीज तो देखने लायक, भाई देख लो ये इनका कपड़ा, पुराना बहुत पुराना कपड़ा फट भी रहा है ऊपर से। ये महाराजा जी की पेंटिंग है, महाराजा जाग सिंह। ओ भाई
वो भाई मैं तो बंदूक देखी इनकी यार, मैं उस तरफ से दिखाता हूँ आपको ना कि आप इसके भीतर करना है, एंटर नहीं है। ये भाई लेवल वन का हेलमेट अपना, वो का 98। ये देखिए ये क्या चीज़ है भाई, ये भाई पढ़ लेना आप वीडियो रोक रोक के। बात भाई मतलब चीज़ें बहुत एंटीक हैं रियली में ना, काफ़ी एंटीक एंटीक चीज़ें हैं। ये भाई हुक्का तो भाई अपने हरियाणा वालों मतलब भाई राजस्थान राजस्थान पूरे इंडिया वालों ये देख लो, ये वाला हुक्का चलना चाहिए और खासकर हरियाणा में भाई, हरियाणा के हुक्के की तो भाई बात ही अलग है। देखो ये भाई Idol of Gods, कौन क्या बात है, फोन का तो स्टोरेज और फुल हो लिया, तो पुरानी वीडियो वगैरह काटी थी काफ़ी सारी भर की थी, दोबारा देखते हैं भाई। 256 GB भर लिया है, एक बार मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये एक बार बड़ा चुका था मैं तो वो कट गई थी। तो भाई वीडियो रोक के पढ़ लेना है करके। तो बस इसमें तो है नहीं कुछ खास ज़्यादा। तो भाई ये सी स्मेल, इसमें भाई शीशे ही शीशे हैं, ये पूजा करने के है बता रहे हैं, इसमें पूजा की जाती थी पहले तो ये भाई को बहुत बेहतरीन है सच में, ये आप वीडियो रोक के पढ़ लेना एक बार। और ये आड़ पड़ोसी उनके और वो भाई देख लो ब्लू सिटी, ये बाल अटक रहे हैं भाई, कुलाड़ी और बंदूक सारी चीज़ें, ये वो वाली बंदूक है आपने देखी होगी फिर हेरा फेरी में, ये वही है, बहुत महंगी बेचते हैं इसको पता है मुझे। ये देखिए भाई कार 98 पबजी वाली, मत समझ लेना इसको ऐसे कह रहा हूँ। और ये लॉक लग रहा है भाई, यहाँ नहीं जा सकते, ये दरवाजा है। भाई जो क्या नाम है अपने ग्लव्स जो बोलते हैं दस्ताने, जो भाई लेवल 3 का हेलमेट आ गया ना, एड तलवार मार गई पड़ी गाड़ी में। तो भाई एक्चुअल में ड्रोन लेके आए थे और ड्रोन यहाँ उड़ाना अलाउड नहीं है, अलाउड तो है भाई पर उसकी परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन के लिए पैसे देने पड़ते हैं और पैसे इन्होंने मांगे हैं 25,000 रुपये, तो इतने में तो हमने ड्रोन लगाएंगे। तो चलते हैं भाई, ये है डिस्को, आई मीन ये है भाई महाराजा का बेडरूम, वाओ ये फैन है, हाँ देखा होगा आपने, नहीं देखा तो देख लो भाई कोई बात नहीं। ये देखो कोई और ना जाए यार,
ओ भाई क्या भयंकर जगह है, या मेरे अलावा कोई नहीं सच्ची में यार। तो भाई यो मार्केट या छोटी सी आपको शॉपिंग वॉपिंग करनी हो तो वैसे यहाँ खरीदने लायक है तो नहीं कुछ, बट फिर भी आपका मन कर जाए आपको कुछ पसंद आ जाए ये तो ऊपर ये उसके भाई यहाँ के महाराजा का झंडा है उधर वाला, ये अपने इंडिया का। तो देखो भाई तो क्या जबरदस्त है, देखिए भाई कुछ टायरों वाली है और ये तो किसी चीज से उठ के आती होंगी, क्या भयंकर है यार सच्ची में रियली में, मतलब। तो गाइस अब निकलते हैं यहाँ से, अब पूरा फोर्ट हमने घूम लिया है, अब यहाँ से निकल रहे हैं और अब चलते हैं दूसरे फोर्ट पे भाई, मेहरनगढ़ फोर्ट रियली में शानदार है, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया घूम के। और अब हम निकल चुके हैं तो अब चलते हैं वापस और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट प्लेस जो है वहाँ चलते हैं, वहाँ चल के देखेंगे वो कैसा है।